Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर लिप केयर रूटीन, जो कि बहुत ही छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार है. अगर आप लोगों की जो लिप्स है उसकी स्किन निकल रही है, जिसे चैप लिप्स कहते हैं, वो अगर हो रहा है, वैसी अगर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके लिप्स जो है वो दिन पर दिन आपको लग रहा है कि डार्क होते जा रहे हैं, ब्लैक होते जा रहे हैं, तो ये आपके लिप्स को पिंक बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. प्लस ये आपके लिप्स को हद से ज्यादा हाइड्रेटेड बनाएगा एंड बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके लिप्स को. एंड गाइस सॉरी, आज मेरा बिल्कुल तैयार होने का मूड नहीं था, तो दैट्स व्हाई मैंने ऐसे ही कुछ बन बना लिया. एंड बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ, कुछ भी नहीं, ना मेकअप है, ना लिपस्टिक है, ना कुछ भी नहीं है. सो चलिए अब मैं आप लोगों को ये रेमेडी बताती हूँ. एंड इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एंड ये हर किसी के घर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा वर्क करती है. प्लीज़ इसे ज़रूर यूज़ कीजिए. एंड यूज़ करने के बाद अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें. एंड गाइज, इस रेमेडी को फॉलो करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने कुछ भी लिप बाम या लिपस्टिक लगाई हुई हो तो उसे रिमूव कर लें. एंड उसे रिमूव करने का भी एक घरेलू उपाय है, बिल्कुल भी कोई रिमूवर एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेकअप रिमूवल्स जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे मेकअप रिमूवल्स का यूज करके ही आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हो, नहीं. थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल लेना है, उसे हल्का सा अपने लिप्स पर आपने मसाज कर लेना है अच्छी तरीके से. एंड देन उसके बाद एक कपड़े से, वाइप से या जो भी कॉटन पैड हो उसकी हेल्प से आपने उसे वाइप आउट कर देना है. एंड सिंगल स्वाइप में ही आपका जो आपके लिपस्टिक हो या मेकअप हो वो सिंगल स्वाइप में ही रिमूव हो जाएगी विदाउट एनी मेकअप रिमूवल. ओके, सो इसे जरूर फॉलो करें, देन उसके बाद ही आपने ये रेमेडी फॉलो करना है. सो गाइज, इस रेमेडी के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे चीनी, जिसे थोड़ा सा ही लेना, ज्यादा नहीं. मैं तो कहूँगी एक छोटा सा टीस्पून होता है उसकी हेल्प से उतना ही लें, या फिर उसकी भी हाफ टी स्पून आपने चीनी लेना है. और उसे क्या करना है कि हल्का सा क्रश कर लेना है, मतलब पूरे पूरे दाने भी नहीं होना चाहिए एंड बिल्कुल पाउडर्ड शुगर भी नहीं होना चाहिए. देन गाइज, नेक्स्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे हनी. हनी हम लोग मतलब इतनी क्वांटिटी इसमें डालेंगे जितनी कि मतलब आपका बहुत ज्यादा जो ये शुगर है वो रनी रनी सा भी ना हो, टपके ना, बिल्कुल थिक सा, थोड़ा सा ऐसा पेस्ट काइंड ऑफ बन जाए. और दोनों चीजों को हम लोग मिक्स कर लेंगे. सिर्फ यही रेमेडी है और ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से गजब की वर्क करेगी, ट्रस्ट मी. सो गाइज, यू कैन सी इस तरीके से थिक रखना है इस पेस्ट को, बिकॉज जब आप लोग इस पे स्क्रबिंग करोगे तो ये अपने आप थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा. सो थोड़ा सा थिक रखना है एंड स्क्रब करेंगे हम लोग 2 से 5 मिनट तक, और हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी घिसना नहीं, अदरवाइज आपके लिप्स फट सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि आप लोग जोरों से घिसोगे तो एक ही बार में पिंक हो जाएंगे, आपको डेफिनेटली असर दिखेगा वन शॉट में, आपके लिप्स की टैनिंग हट जाएगी धीरे धीरे करके, तो डेफिनेटली आपको असर तो दिखेगा, लेकिन बिल्कुल भी जोरों से घिसना नहीं है. ओके, एंड इसे हम लोग 5 से 10 मिनट तक स्क्रब करेंगे, देन उसके बाद क्या करना है मैं फिर बताती हूँ. सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रबिंग. सो गाइज, देखा आप लोगों ने 2 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करने के बाद मैंने अपने लिप्स को वॉश करके आ चुकी हूँ. देन इसके बाद अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी. अगर आप लोग थोड़ा और अच्छा असर देखना चाहते हो, अगर आपके लिप्स फटे हुए हैं या चैप्ड है, तो आपने क्या करना है, स्क्रबिंग करने के बाद उसे 2 से 5 मिनट तक रखे वैसे ही छोड़ देना है. तो ये एज अ लिप मास्क का भी काम कर देगा, बिकॉज हनी जो है वो आपके लिप्स को हाइड्रेटेड करने में प्लस स्मूथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. सो उसके बाद आपने 2 से 5 मिनट तक उसे एज अ मास्क उससे लगे रहने देना है, देन उसके बाद वॉश कर लेना है. सो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज करने जा रही हूँ बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम, व्हाइटनिंग लिप बाम है ये. एंड मैं बहुत दिनों से इसे यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा है. मैं इसे इसका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने पैसे से इसे परचेज किया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. मैंने इसका डिटेल में भी रिव्यू आप लोगों से शेयर किया है, नहीं देखा हो तो अभी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, बहुत ही अच्छा लिप बाम है. सो मैं इससे अपने लिप्स को लिप्स पर लगा लूंगी इसे. एंड आप चाहो तो कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हो, बट मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज इसमें हल्का सा रेडिश टिंट भी आप लोगों को मिल जाता है. अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो या फिर आप लोगों को लिपस्टिक लगाने की इच्छा नहीं है, तो आप इसका यूज कर सकते हो. सो गाइज, यू कैन सी
इस वक्त मेरे लिप्स जो है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट, एंड लिप बाम लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस स्क्रब को आप यूज कर सकते हो वीक में 2 से 3 बार, और आपके लिप्स जो है ना वो धीरे धीरे करके उसकी टैनिंग जो है वो खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल, एंड आपके लिप्स जो है बिल्कुल पिंकिश टाइप ग्लो करने लगेंगे एंड बहुत ही प्यारे लगने लगेंगे। ओके, सो इसे जरूर यूज कीजिए मेरे कहने पर, एंड मैं जो भी रेमेडीज बताती हूँ उसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कीजिए, बिकॉज सारी होम रेमेडीज होती है, तो होम रेमेडीज जो होती हैं थोड़ा सा अपना असर दिखाने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, सो उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए तो आप लोगों को असर जो है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। सो गाइज, कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी होम रेमेडी? पसंद आई हो सो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है सो प्लीज जाकर कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो है एंजल इंडिया ऑफिशियल, एंड फेसबुक की जो आईडी है वो है एंजल इंडिया, सो जाके फटाफट से कर लीजिए। एंड कोई और अदर वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ प्लस उसके जवाब भी आप लोगों को देती हूँ, और तो और आप लोग अगर कोई वीडियो की फरमाइश करते हो तो मैं उसे भी पूरा करने में पूरी कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो या कोई भी अदर वीडियो की डिमांड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो गाइस, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।